गुड मॉर्निंग। और हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं किसी अर्जेंट काम से, और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह निकले हैं, जल्दी निकल गए हैं। और सिर्फ गुड़गांव जाने जाने में हम लोग ये फील लेंगे कि हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं ना। तो गुड मॉर्निंग कर दो जल्दी से, गुड मॉर्निंग, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं तो अच्छे से फोकस कर नहीं सकते गुड मॉर्निंग पर, क्योंकि कर रहे हैं। जैसे भी है, अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह अभी तो धूप हो गई थोड़ी सी, हमें 9 बजे है शायद, देर हो गई हमें रास्ते में। हाँ, हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा उसे सही कराया। तो आप देखिए, बहुत आस्ते आस्ते गाड़ी चला रहे हैं, और शॉर्टली मीनाक्षी जो है गाड़ी ड्राइव कर लेंगे। तो अभी इन्होंने आपको सिग्नल दिया इंडिकेशन का, गुड मॉर्निंग का। हाँ। और ये देखिए, कॉन्फिडेंस इनका बहुत बेटर है, और आई होप शी इज ऑलरेडी अचीव द टारगेट शॉर्टली। लेना है राइट, तो लेफ्ट। अभी गाड़ी को स्लो लेंगे, स्लो लेने के साथ हमारे को लेफ्ट, बस ये समझ लो टू टर्न लेफ्ट। अब धीरे धीरे सीख जाऊंगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करूंगी, तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी, फिर से गाड़ी चलाती हूँ। इधर रचना के पापा देख रहे हैं मैं क्या खाऊं। नान, वन पराठा, दाल मखनी, पनीर, सब्जी, सीजन वेजिटेबल स्पेशल चावल। दाल तो मैं ज्यादा पसंद है, दाल ही इसमें कम है बहुत। मैंने कहा दाल तुम ज्यादा खाते हो, दाल ही कम है इसमें। दाल पूरी ले लेंगे ना, एक और पूरी दाल ले लेंगे। जब पूरी लेनी थी शुरू में तो तुमने तो अभी भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई बाहर तो। अब देखिए मैं जो है खाना जो है मीनाक्षी को खिला रहा हूँ। अच्छा, आए कुत्ता हो गए, जिससे हमारे को महसूस हो गया। हाँ यार, वास्तव में अभी हमारा वो 35 साल वाला प्यार बरकरार है। 35 क्यों 10 क्यों? अच्छा, वो 10 महीने वो भी ऐड कर लिए हैं जो शादी से पहले थे। ऐसा तो नहीं 10 साल किसी और के साथ हुए हों, 35 साल मिल रहा। मैंने बोला था ना कि दाल मखनी खाएंगे, एंड में दाल मखनी ले आए, है ना, एंड में दाल मखनी और शुरू में दाल रोटी और रायता। शुरू में तुमने थाली ली, मैंने जब भी बोला था, मैंने कहा तुम्हें दाल ज्यादा पसंद है। मास्क उतार के तो यहाँ पे मास्क तो उतार ही सकते हैं। आज हम मास्क उतार के अपना फोटो खिंचा रहे हैं। पहले हम बाउंड थे कि मास्क लगाना जरूरी है, तो आज हम बगैर अच्छा, मास्क के। और अब किसने कहा है कि मास्क उतार लो? मीनाक्षी ने कहा था, क्योंकि मैं मीनाक्षी के ऑर्डर्स को कभी अवॉइड नहीं कर सकता, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, इसलिए मैंने जो है मास्क उतार दिया है। झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कहना मानते। कितने अच्छे झूले हैं, छोटी सी ट्रेन, या छोटे बच्चे होते थे जब झूलते थे, ये कूदने का है ना, सुनो ये छोटे बच्चों का कूदने का है ना ये। चलो मैं चलाऊं, नहीं चलाएंगे। दीसु के बाबा गाड़ी गर्म हो गई खूब अच्छे से वाली। हमने लंच कर लिया है, नाउ प्रेजेंटली आई विल बैक टू पवेलियन। पवेलियन क्या होता है यार? पवेलियन वो होता है जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है।
मैं तो पवेलियन कुत्ता समझती नहीं, तभी बार बार पूछ रही हूँ क्या होना है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे वर्ड्स के कितने मीनिंग्स होते हैं और क्या क्या हम उसको समझ सकते हैं। आज अचानक गुड़गांव आना पड़ा, थोड़ा सा कुछ काम था बहुत जरूरी, और लेकिन आज घर पे मेरे भाई के बच्चे आने वाले थे, दोनों बेटियां भतीजी मेरी, और मैंने कहा मैं टाइम से लौट आऊंगी तो मैं फोन कर दूंगी, अर्जेंट था इसलिए आना पड़ा थोड़ा जल्दबाजी में। तो मैं बता देती हूँ, आज है देवठान और ये हमारे में एक पूजा होती है जिसमें पता नहीं बच्चों के लिए होती है, किसके लिए होती है, बच्चों के लिए होती है क्या? आज से देव उठते हैं, यानी कि आज से शादी वादी होनी शुरू हो जाती है। जो लोग पता नहीं मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ, पापा तो कह रहे थे परसों भी शादी होनी थी, मुझे इतना पता है देवठान है, आज से देव उठते हैं यानी कि आज से शादी वगैरह शुरू हो जाती है। मम्मी की ड्रॉइंग देख, जल्दी देख, जल्दी देख। तो गाइस मम्मी ने यहाँ पे बहुत सुंदर देवठान की सुंदर नहीं बनाया बोल भाई, मेरे को आते नहीं है और मैं अभी अभी आई हूँ गुड़गांव से, और मेरे भतीजी आने वाली थी तो वो आए नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं लेट हो गई तो कैसे आते वो, फिर मैंने फोन भी करा, मैंने कहा कोई बात नहीं रात को रुक जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं, मैंने ऐसे इसलिए बना दिया। ये पैर सीधे हैं, ये सारे मुड़े हुए क्यों हैं? अलग टाइप के बनाए, और यहाँ पे दिया चलेगा, और इसलिए मैंने ये ऊपर बनाया है कि टाइगर फिर से फैला जाएगा, जब से टाइगर आया जैसे मैं ऊपर ही करती हूँ, अभी दरवाजे पर डिजाइन वगैरह बन जाएगी, यहाँ पर पूजा का सामान रख के। फिर आ गई प्यार पे पैरा, इसको क्या भाई भाई कॉकरोच को देखो कैसे मार दिया, तो देखो कॉकरोच को कैसे मार रही है, देखो टाइगर चलो देखो कैसे उछाल 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 के मार रही है। अब खाना पीना कुछ लीजिए, चीकू चले बेजान इश्क ने जिंदा किया। मम्मी सुसु से दूर रखो इसे, सुसु उसे सब निकल गया इसका इश्क में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। थैंक यू।